जोन बर्खास्त करे चार दिन पहले और जरा तकलीफ हो रही है, इससे अच्छा कि वहाँ थोड़ा ग्रेवल लगा के ऐसा लेवलिंग करा लिया तो प्रॉपर्टी किसका भी होने दो। फिलहाल बोले तो नहीं बंद करने के बाद मारो सर, 6 बजे तक सरकारी खराब होता बोले तो चले गए 6 बजे पार्किंग वालों का मसला है मैडम। इससे पहले कराए थे काम, आधा काम हुआ पहले के रुक लिया बस। सी ए साहब बोले थे मैं ठहर के करा देता हूँ, बोले थे ना मैडम एक ओखा वो करे ना इन शेजी राव साहब, एक दिन का काम है ओखा, एक दिन का काम है, कितना भी मट्टी जल हो पानी जमा होता है कीचड़ जमा होता है। इधर है आउटलेट, चलो नहीं लड़ते हैं मैडम, पूरा पानी गाजीपुर बस्ती का है। मैं सुनी कि यहाँ के लोग बंदे जा रहे हैं वो तो मैडम मार्केट मतलब चुका वी इकड़ा इन बस्ती इंतको आपना అయితే ఇప్పుడు వేడికేసి వచ్చేది వీళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు బట్టిలో అందరికీ ఏదైతే ఇంజక్షన్ అవుతుంది అయితే ఆల్రెడీ ఆపేసింది బట్టీలు లేదంటే నేను చెప్పినాను ఇంతకుముందు అది వాళ్ళ వచ్చింది మార్కెట్ మేడం ఇది మార్కెట్ వాళ్ళంగా ఆపకి మాత్రం లేదు क्या कर रहे हैं उन लोगों मूल्य द्वारा ये दुकानदार इन लोगों पूरे करते हो कच्चा डाल रहे, वो गांव से आते सुबह उन लोग बेच देते फिर वहाँ छोड़ के जितना भी कच्चा है वहाँ छोड़ के चले, हम लोग उठाना इन लोगों उठाना उन लोगों के वो आपसे में हो रहा हो तो उठाना कौन आप उनका थाई बाजार कलेक्शन ये करते पार्किंग थाई बाजार एक देने करते अब ढूंढने वाले उन लोग वो लेके जाते। మార్నింగ్ అంటే నిన్న రా ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ పొద్దున్నే వస్తాయి కదా లోడు, ఆ లోడ్ వచ్చే టైం ప్రాబ్లం ఏంటంటే మొన్న మార్కెట్ లో గంజు లేదా ఆ గంజులో ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు కొనుక్కుని బాహర్ पूरा 7 एंट्री थे मैडम, 7 एंट्री थे तो उसके पहले क्या होता था हर एंट्री से ऑटो गाड़ी दो अंदर घुस जाते थे पूरा जाम जाम होता था, तो आपके हेल्प से पूरे 5 वेज को बंद कर दिया था मैडम। रिपीट करे तो वो लोग आके कॉन्ट्रेक्टर मैडम को कुछ बोले थे पूरे 5 जगह पूरा ब्लैक कर दिए, खाली एंट्रेंस ये एग्जिट है वहाँ पे एंट्रेंस है जो लारियां बाहर से आती है वो अंदर से आ जाते हैं पांच दिन अलग से करते हैं निकल जाते हैं वैसा। अब तुम तो कंट्रोल है मैडम पूरा फोर्स मॉर्निंग 5 o'clock से 10 o'clock तक पूरा फोर्स इधर ही रहता, उसके बाद में हम डिवेट होते हैं रेस्ट का टाइम मॉर्निंग रहता है। हाँ वही टाइम है सर, 2 बजे से आता था वैसा तो लारियां 2 बजे से आता, पब्लिक आना शुरू होता जो रिटेलर खरीदने आते वो लोग 6 बजे से आ जाते हैं, वो लोग भी बाइक वो ये सौ लाके अंदर रखते रहते हैं मैडम, फिर भी साहब लोग आके 4-5 बजे ही क्लोज कर दे रहे हैं। बोले तो अब ये साबिक मैडम
अब वो टॉपिक करे तो क्या था ये वो दूसरे होते फिर वो बाद में भी बात कर सकते नहीं जो कंट्रोल में ना मार्निंग कंट्रोल है जो बेजी के बाद अभी देखो तो पूरा क्लियर है जो बे के बाद ठीक है नंबर वन डॉक्टर है पूरी दुनिया में डॉक्टर दुआ ले रहे उसके बाद दुआ लेने वालों में आप लोगों का नाम है बात चंद लोग हैं जो दुआ नहीं ले रहे लेकिन पूरे डिपार्टमेंट दुआ ले रहा है मेहनत कर रहा है उसके बाद ये सैनिटेशन का आपके कॉर्पोरेशन का मेडम का नंबर आता है रात दिन बहुत देखे फिर रहे लोग पब्लिक भी थोड़ा कॉपरेट करे तो ये काम आसानी से हो जाए या पब्लिक भी आपको साथ दीजिए अब बड़े ठीक है हालात हम दे रहे हैं उसकी जरूरत पड़ी क्या मैडम को बुला सकते हैं मुझे बुला सकते हैं कभी भी मैं आने के अवसर तैयार हूँ लेकिन वो सोशल मेंटल डिफरेंस के लिए थोड़ा तवज्जो देना दुकाना वालों को बोलना दुकाना वालों को बोलना साहब जितने भी गिराकार हैं कुछ ऐसा खरीद खरीद पड़े नहीं है नहीं तो दुकान भी चालान करते नहीं तो उनकी पाबंद करो वो लोग क्या कर रहे सब जो भी डिस्टेंस नहीं फॉलो कर रहे वो लोगों को चालान भी डाल रहे हैं वो कई जगह डाल रहे साहब उन लोगों का 100% हम लोकल में ही ना पूरे 100% दुकान वाले तो पूरा मेंटेन कर रहे मैं बोल रहा हूँ ना पूरे हम देख रहे उन लोग तो पूरे कर रहे पर ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा मैडम हमारा काम है बस दो महीने से तकलीफ में जो मॉर्निंग अरे मैडम आ रहे मैं सुबह में आ रहे रह रहे मैं तो राशन शॉप का अभी आ रहा हूँ वहाँ से इधर आइए मैडम हजरत ये साईं बाबा टेम्पल और दरगाह चौरंशावली के करीब में ये कंटोनमेंट जोन बना के जो रास्ते बंद कर दिए थे नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर इसको बर्खास्त किया जा रहा है आप हजरत जो पाबंदियों में थे वो पाबंदियों को आज खत्म किया जा रहा है लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि घरों में रहे क्योंकि लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है एहतियात का तकाजा यह है कि अपन घरों में रहे घरों में रहने से महफूज रहेंगे बीमारियों से इसलिए आपसे दरखास्त है ये पाबंदी तो बर्खास्त करें जरूरत के तहत एक आध आदमी जा सकता है बाहर लेकिन पूरे लोग घरों में रहना बेहतर रहेगा आपकी अपनी सेहत के लिए हुकूमत की हिदायत है कि घरों में ज्यादा से ज्यादा रहे रमजान के दिन इबादत करें दुआ करें ये बीमारी सिक्को के खात्मे के लिए दुआ करें अपनी हिफाजत के लिए नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत के लिए दुआ करें जिन्होंने इस दौर में आपके पास हमेशा किसी तकलीफ के सूरत में मदद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौजूद है कोई भी वक्त की जरूरत पड़े आप आवाज दीजिए हम आपके दरमियान आके आपकी खिदमत करेंगे बस आखिरी में गुजारिश है कि घरों में रहिए एरिया कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहब अब यहाँ पर मौजूद हैं आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिए नमाजों में दुआ कीजिए इस बीमारी के खात्मे के लिए और अपने सेहत का ख्याल रखते हुए जिंदगी गुजारे शुरू याकूतपुरा असेंबली हल्के के अंदर तालाब चंचलम के अंदर रात में 5 कंटोनमेंट जोन को खत्म किया गया और आज सुबह में रोड नंबर 11 रोड नंबर 8 के 2 बर्खास्त हुए और इसी कुरमागुड़ा डिवीजन में या बाग खादरदौला के पास जो कंटोनमेंट था वो भी बर्खास्त किया गया नकीब मिल्लत बरसुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर ये तमाम जोन बर्खास्त हो गए हैं और यहाँ पर लोगों ने जो सब्र तहमुल का मुजाहरा किया उनके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन रात कोरोना वायरस के वबा के मौके पर तमाम आवाम के दरमियान रह के खिदमत करती जा रही है इंशाल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा मैं हमारे DMC मैडम यहाँ पर मौजूद है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी खास तवज्जो लेके यहाँ पर इंतजाम की निगरानी की आवाम से मेरी दरख्वास्त है वो कोरोना वायरस के जीवन में
जो पाबंदियां हुकूमत आयद की है, घरों में रहे, वो पाबंदियों के पर पाबंद रहे ताकि आपकी सेहत, आपकी जिंदगी की हिफाजत हो सके, और जो भी कवायद है उसके खिलाफ वर्जी मत कीजिए। जरूरत के तहत एक आदमी निकल सकता है, घर के पूरे अफराद ज्यादा से ज्यादा घरों में रहे, रमजान का महीना है, इबादत करे, दुआ करे कि ये बीमारी से सबको निजात मिले और अपने आप